कुल भाटा मुरई कुल खाई जासिन बके खिलाफत ना करब। झगरू नाम हका बाबा तू हां हां का अकेले कह दे जो जीत या हम अकेले जोगिक दे दे जेकरे पैसा हो गांव गांव खरीद ले ओटबे। हां जो बैंकवा में जात घरा पता लगाए रहा थिन पतो ही है कि बाबा पैसा पाए कि ना पाए। इतना पुरानिया बालन होई अथे दुकान बा ओ बैठ गई है बाराती कि ना और समोसा आवत बचा पिए। बाबा लोग कहते हैं कि मायावती जी की ये सीट है, वो ऐसे चुनाव के समय बस कुछ एक दिन आ जाएं या कहीं से बोल दें कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत जाती हैं, उनको कोई मेहनत नहीं करना है अम्बेडकर नगर के लिए। तो लेकिन वो वाले चाचा बता रहे हैं कि इस बार तो सपा की जीत है, बसपा जो है वो खत्म ही हो गई यहाँ से। आप क्या कह रहे हैं? मैं कहा जहाँ गाँव भजाइए वहीं दे दिए, यहाँ गाँव भजाइए वहीं दे दिए, एक थे हम दे का करब दूसरे के। हाँ जहाँ गांव भर देंगे वहीं आप भी दे देंगे। हाँ 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 अरे अरे जो नहीं बता रहा था। हाँ हाँ तो किसकी लहर है? हम मैं ना पता बूढ़ मना के कर लहर के करना है। तो योगी जी निक लगे ना कि नहीं काहे कौन बजा करत हैं। वो कह रहे थे चाचा सड़वे छोड़ दे रहे हैं, पूरा फसल खा जा रहा है। खाद के कर के मने थोड़े खाइए सबके खाइए। हमल तो कोयरी है कुल भाटा मुरई कुल खाई जासिन बके खिलाफत ना करब योगी के ना है। अरे उतना भाटा साटा खाई गई है उतना 2-4 हजार रुपया दे दिए थी बराबर हो जाते बिटिया। अरे स्वामी प्रसाद कह रहे झगरू नाम हका बाबा तू है। हाँ अच्छा अच्छा ये एक लाइन बड़ी फेमस थी कि जब गांव में आग लगती है तो पता नहीं अकेले मेरा ही मकान थोड़ी है। तो बाबा भी वही मिजाज के है कि आग लगी है तो सबका घर जलेगा, अकेले मेरा ही थोड़ी जल रहा है। हाँ। और कह रहे हैं जितना वो फसल खा के जाती है, जितना भाटा मुरई बैगन ये सब जितना खाती है उतना तो योगी जी पैसा दे ही दे। हाँ। हाँ। 500-500 के दे दिए तीन बटूर के। तो। कितने बार मिला बाबा आपको? मिला वही 3-4 बार। चार बार किस्त है ये 9वां 10वां किस्त है भाई। 10 बार मिल गया, 4 बार ही बोल रहे हैं। तब क्या लाइन हो हम मैं भैया 20,000। अरे भाई 10 बार होगा, 10 किस्त हुआ तो 10 दूना 20,000 चार ही बार मिला है कह रहे हैं। नहीं नहीं हमें ख्याल ना भाई और मिला हो। हाँ वकील पैसे का भी ख्याल नहीं, वो तो ना ख्याल। अरे हम कहा अकेले कह दे जो जीत यहाँ हम अकेले जोगिक दे दिए। हाँ लेकिन तू ये बता रहा खाली कि देव्या के का तू यही बताओ निष्कर्ष है। हाँ चाहे कुल भाटा खाई जाए का कह रहे जितने का आवारा पशु सब्जी खाते उतना तो योगी जी पैसा खाते। एकदम संतोषजनक बात और दिल से कहा थे सही है। हाँ वो सही बात कहा थे भाई ये तो हम जोगी एक देव। लेकिन तुम्हारी बिरादरी बहुत बड़ा नेता है। थोड़ा बिरादरी का कर स्वामी प्रसाद मौर्या आपके बहुत बड़े नेता थे और 5 साल योगी साथ लूटे खाए, वो भी लूटे खाने में रहे और एक बाद धोखा काल दे के चला गए सापा में। ये कर मन का है बड़ा बड़ा नेता है चाहे जहाँ जाए हम लोगों के का लेना देना। इधर मैं जाऊँगा और मौर्या उधरे जाएंगे। अब उनका बिटिया बेटवा सब है चला जाये जो नहीं और केस हो जाये केसों तो क्यों देखी पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्या देखिए चाचा ने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी भी नेता का जो वोटर्स होता है वो उनका बेटी बेटा थोड़ी होता है, जहाँ पैसा मिलता है आदमी वहाँ जाता है। हाँ बिकिया के आसपास मिला है जेकरे पैसा हुई गाँव गाँव खरीद लिए ओटबे। हाँ तो अभी योगी जी खरीद ही रहे हैं, आप लोगों को दे ही रहे हैं। हाँ हाँ तो हम लोग देखते जा रहे हैं। अब जो गद्दार हो नून वो देते हैं। हाँ तो ये नून खा के उनके गद्दारी करी ओका कहूँ माल के केहन ठिकान लागे। हाँ चनो दिए फ्री में सुना। आप कह रहे हैं योगी इतने बड़े धर्मात्मा नहीं है कि वो इतने बड़े आदमी हैं, सबको हम ही से टैक्स लेते हैं, हम ही किसानों गरीबों सबका पैसा है, वही आपको बड़े लोगों से लूट करके छोटे में ले आग बांट करके कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम बढ़िया तो काम कर रहे हैं कि बड़ों से लूट के छोटों को दे रहे हैं ना टैक्स तो सभी। और इनको सुनिए महंगाई अगर 2000 दे करके महंगाई इतने चरम सीमा पर है एक तरफ से वो 2000 दे रहे हैं, आपसे 6000 रुपया ले रहे हैं। तुहरे एक गाड़ी के अवस्था रहा और 8 गाड़ी हुई मौके छोट बड़ी और 8 तेल पियत हैं तो जोगी बाबा पियत हैं कि तू पियत है तेलवा। आप जोगी बाबा को पर्सनल ले लीजिए, वो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। और सुनिए महंगाए हैं जोगी, महंगाए हैं तो कहबा ना। अगर आप सुनिए तेल महंगा हो रहे तो योगी जी थोड़ी पीते हैं। योगी जी नहीं पीते हैं। योगी जी और मोदी जी का कर्तव्य है उसे टैक्स करना, टैक्स ले रहे हैं न। आज वहाँ जब डीजल का दाम कम होता विदेश में है तब वो इनका दाम वही चलता है। चलने दीजिए रेगुलर मशीन, सही है गलत। आज 26 रुपया वो कम कर दें डीजल और पेट्रोल में 26 रुपया का भी आज अंतर आ जाए। इसको आम जनता चूंकि उतने ऊंचे तक नहीं जा रही है, वो गांव देहात तक रह रही है, उसको इस चीज को पता नहीं। बाबा आपको समझ नहीं है कह रहे हैं। हाँ बेकार बोले थे, हाँ बेकार बोल रहे हैं। अरे चप्पलवा कहाँ गया आप? मना पहनते हो बहनी, चप्पल ही नहीं पहनते। नहीं कहाँ मिले गरीब आदमी थे चप्पल। 2000 रुपये हो का करे हो पतो यो तो ये ले लेते तो योगी बाबा फोन करके मंगवा ले। योगी जी वाला 2000 रुपये पतो ही ले लेते हैं। हाँ बड़ी दिक्कत। अरे बहनी ने जो बैंकवा में जात घरा पता लगाए रहा थे पतो ही है कि बाबा पैसा पाए कि ना पाए। हाँ तब घरे ले आवे पड़ा था कि रहिए में ले नहीं घरे ले आग ले लिए थी तो क्या कहे नहीं पता। अरे कपड़ा नाव, लत्ता नाव, लड़कियों का नाव, स्वेटर फ्वेटर वैसे वैसे कह के मांग लिए थे। 150 धरे रही थे। समोसा वमोसा चाहो वही में से खाए उठा था तो समोसा खाने बुढ़ापे में। आपके वहाँ 4000 दी हैं जोगी बाबा, आपके इनका 4000 रुपया दी हैं जोगी बाबा। सारे धक्के दे दी जोगी बाबा के। हाँ क्या रहे अगर आपके पास 10 वोट होता तो 10 योगी जी को दे देते। हाँ इतना खुश है। हाँ ये जैसे ये जियावत भाई तो लोग नौकरी करत है तो सबका जियावत है तो तुही लोग महान है और जे ना कमात कौन महान भाई। जितना बूढ़ पुरानिया पाई जाते हैं वो बड़ा खुश है वोटवा दें या ना दें बगल खुद सहन। अच्छा ये बड़ी बात कह रहे हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए घर राशन पहुंच जा रहा है, चना तेल नमक, उसके बाद ऊपर से 2000 रुपये भी मिल जा रहा है समोसा वमोसा खाने के। हाँ अरे पेंशनियों दिए थे, पेंशनियों दिए थे, पेंशनियों मिले। हाँ तो पेंशनिया क्या करेला। अब वहाँ कपड़ा लत्ता है चापन। चप्पल क्यों नहीं ले रहे हैं बाबा? 50-60 रुपए का चप्पल आता है। जिन्ना 50 रुपए का समोसा खाते हो उन्ना चप्पल आई साल भर चली। अरे टूटी आई वो फिर खरीद देखो यसराई तक को दान टूटी। हाँ काटा टनाई गड़ेला बाबा कुछ न चाहे हमें 2 घंटा ही 4 घंटा खड़ा करा रहा हमारा गोड़ ना ठहरी। जब चिकने खड़ा होगा कांटा कहाँ गड़ी आदत बनी गई। कभी नहीं पहने बियाह शादी में तब ना मिला जूता मोजा जनबन करी तो अब का पहिरी। अब जोगी बाबा के जूता मोजा पहिर के टहरी तो ना ठीक बा। तो ये कितने साल के बाबा? 70-75 को हो लगभग। तो पेंशन 60 से ही मिल रहा होगा आपको? अब यहाँ पता कहिया से मिलत बा वकील है ना ही और पहले तो वो कह रहे योगी जब से आए तब से नहीं और पहले से तू टांग खींचा तो कहा पेंशन भी तो योगी जी दे रहे हैं। किसके समय बना था? योगी जी पेंशन बना था उनके समय में मुलायम सिंह यादव के समय में कम से। हाँ हाँ मैं रहन तो भैया सपा के हैं, भैया सपा के हैं तो कह रहे हैं इनको जब पेंशन मिला तब मुलायम सिंह का समय था। अच्छा तो हम ना जानी वकील मान लेते तबे का। और ठंडी नहीं लगता आपको? ना धोती पहन के आप ठंडी में रह लेते? ठंडी नहीं सजवा कोड ले जाइए। खेत कहाँ? खेत से आ रहे हैं क्या? बाजारे जाते ही समोसा मोसा चाहो पिए। हाँ। खनवा ना पतो ये देवे नहीं कि पैसे वाले को वो नहीं देवे नहीं खबो देते बुला के भाई पैसा मिला था तो दे। हाँ पुरानिया के कमात है नहीं भगवान जोगी बाबा देते हैं भैया। ये सम्मान जो है वो बुजुर्गों को मिला है क्योंकि बुजुर्गों के पास अपना एक पेंशन है, किसान सम्मान निधि है। तो जब वो पैसा बाबा के जेब में आता है तो घर में सम्मान भी हो जाता है। पतो लोग भी पैसे के लालच में अब भाई जितना पुरानिया बालन हो दुकान बाय वो बैठ गई है बाराती की ना और समोसा आवत बचा पिए थे खाओ समोसा है क्या कमा रहा है उसके पास कोई है नहीं क्या कमाएगा क्या करे क्यों के कुछ ना बत कौन जरूरत है ओका कौन जरूर है। समोसा 2000 रुपये में समोसा कैसे खाएगा उसका बीवी बच्चा कौन जी आएगा तुम। अरे क्या करे योगी बाबा सबके जिम्मेदार हैं। क्या भैया लॉकडाउन लग गया कमाई धमाई सब बंद हो गया किसी के पास कोई कमाई नहीं बाहर निकले नहीं रहे हैं कमाई क्या होगा कुछ नहीं है गरीब आदमी अपने घर बैठ के खाएंगे जो ना तो कोई सुविधा ना कोई कॉलोनी ना कुछ नहीं घर गिर रहा हमारा कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को कोई सुविधा नहीं है क्या करें जो गरीब आदमी उसको कॉलोनी मिलेगा जो छोटे आदमी है उसको भी देखेंगे बड़े आदमी को उसको भी देखेंगे लेकिन हमारे पास सरकार कुछ नहीं है हम लोग बहुत परेशान आदमी है। तो अपने अपने लोकल प्रधान जो है चाहे कोई सुनवाई नहीं है नहीं बाबा थोड़ा इन लोगों को भी दिलवा दीजिए आपका तो सोर्स है दिलवा दे घर दिलवा दीजिए घर जाए जे का कॉलोनी सरकार दे ले ले। नहीं नाना जी आप पहले आप सोचिए हमारी बात 10 लोग खुश हैं 20 लोग नाराज हैं 20 लोग को नाराज जो है उसको खुश करिए। अकेले तो बाबू दुनिया में क्यों ना खुश कह पाई क्यों कर भगवान तो खुश से ना कह पाइए वही बर्फ है जैसे दवा बरसात है सबके खेत होते में हालिया पानी वैसे करना चाहे ना सबका ना के खुश कर पाए 100 में 85 खुश रहेंगे तो 15 तो नाराज रहेंगे सब नहीं। आप खुश है कि नहीं? नहीं हम तो खुश हैं क्योंकि देखिए हम लोग ड्राइवर आदमी हैं स्कूल बंद होने के नाते हम लोगों को तकलीफ है ठीक है स्कूल चालू रहे हम लोगों की रोजी रोटी चालू रहे यही हम क्या कह रहे हैं घर में हो जाता है झगड़ा आदमी खुश है ना कह पाओ तो सरकार के का खुश करिए आई के प्रदेश में इतने लोग रहते हैं सरकार थोड़ी कुछ कर पाएगी नहीं कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं कहाँ गए सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं लोग हैं इतने लोग हैं गाँव में प्रदेश में सबको थोड़ी कुछ कर पाएंगे क्या कहेंगे। नहीं तो ठीक है हम तो सुन रहे हैं ना हमारे सुनने से हमारे कहने से कोई फर्क नहीं है लेकिन हम मैं तो देख रहा हूँ ना अपने मेरे समाज में एक आदमी से 2 आदमी से बहुत करीब है कोई गरीब आदमी है कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं सब 3 क्वालिटी का आदमी होते हैं जी। आप गलत बोल रहे हैं बोलिए आप 3 आदमी क्वालिटी होते हैं लेकिन 3 आदमी को तरीका देखिए कौन कैसे होते हैं ना एक अमीर एक गरीब तीसरा कौन तीसरा क्यों नहीं है अच्छा, मिडिल क्लास में कोई करने वाला कोई नहीं करने वाला तो हर कोई तरीका सबका अलग अलग देखना चाहिए कोई इंसान कैसे है कैसे नहीं है हर तरीका सबको देखना चाहिए। बाबा थोड़ा समोसा इसको भी खिलाते हैं कि नहीं कौरा और आप आ जाते रोटी वोटी अपन समोसा में से तनी दे दिया अरे दुकानिया ना जाये तो वही में से कब्जे में से मोड़ के ले ले और कराइए। अब योगी बाबा दान करते हैं हम दान करी तब क्या बाबा ऊपर भगवान देख रहे हैं ना पुण्य करिए। अच्छा ठीक है जो उनका कह दी हमारे कहने थोड़ी आपका आके पैर चाट रहा है मालिक मान रहा है आप जैसे योगी जी को आप भगवान मान रहे हैं आपके लिए इतना काम कर रहे हैं वैसे जानवरों के लिए लाना चाहिए ना आपको। हाँ मिला योगी जी जो है ना तो सबके हक में अच्छा किए ना सबके हक में बुरा किए हैं जो काम किए हैं अच्छा किए क्योंकि आज तक जो भी नौकरियां मिली हैं चाहे वो गरीब रहा हो या अमीर रहा हो बिना किसी क्या नाम घूस के और क्या नाम है किसी सोर्स के सबको नौकरी मिली है। नौकरी मिली है क्या भैया जिनको भी हमारे गांव में जैसे नौकरी मिली है क्या गाँव लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल पा रही है पेपर लीक हो जा रहा है बार बार नहीं ऐसा बात नहीं ऐसा नहीं है अफवाह नहीं अफवाह है नौकरी लेकिन जब डिग्री नहीं रहेगी पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे नौकरी पाएंगे। अच्छा बाबा की उम्र 70 साल है और तब से जब से हम लोग बात कर रहे हैं करीब 1 घंटा तो हुआ होगा तब से खड़े ही हैं आप। अरे चाचा चौमप्राश खा रहे हैं आप कुछ ना वो तो दान चमन परसवा ने दही हम 4-4 काला काला कह दिए थे तो ना कुछ ये मटरे का दाल गेहूँ की रोटी ये खाए थे डॉक्टर मना के दिन चाउर ना खाया भैया राम आ रहे हैं। तो ये जनता की राय है जो हम लोगों के बीच में जाकर समझ रहे हैं कुछ लोग को बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो प्रभावित करते हैं किसी को अपने गांव की सड़क नाली और इनकी समस्या दिखती है। आपको ये बातचीत कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा और आपकी क्या मुख्य समस्याएं हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जरूर ही आपके विधानसभा में जल्द ही किसी और गाँव में आपसे मुलाकात करूँगी। नमस्कार मैं पल्लवी राय आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।